हाँ अभी आपको क्या प्रॉब्लम है मुख्य बताओ मुझे। हाँ जी, मुझे ये हिस्सा मेरा कभी हिलता ही नहीं है, बहुत टाइट रहता है। कहाँ पर? यहाँ पे कहीं, अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, पर यहाँ अभी भी है क्या? अब मुझे अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा कि दर्द है या नहीं। ठीक है, सराहना दो एक और। जी तो अभी जो इनको है वो इसका मतलब कमर में लोअर बैक में दर्द है, तो इसको हमारा एक पॉइंट होता है पेल्विक पॉइंट, जिसको हम पेल्विक पॉइंट बोलते हैं। तो अभी वो देंगे, वो नॉर्मल इंसान कोई भी अपने घर पर दे सकता है। उठाओ जी ये पैर, मुड़िए, दर्द हुआ कैसे? ऐसे मुड़िए, आराम से इंसान घर में इसे, तो इसका मतलब दर्द ही है ना आपको। हाँ, तो ऐसे हम रखेंगे आराम से, बहुत आराम से रखने के बाद में, अपने घर पे तो कहीं भी रख सकते हैं ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, या तो ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे या हम फिर अपनी एड़ी से करेंगे प्रॉपर। तो देखिए ये दर्द है क्या? हाँ जी। देखिए ये इनको ये दर्द है, इसी कारण इनको ये क्या रहता है कि ये बोलते ना भारी भारी रहता है, पूरा स्टिफ है। हाँ जी, ऐसे में सिर्फ टच कर रहा हूँ अभी आपको, इनको ये टच कर, हाँ जी ये दर्द है। हाँ जी, ऐसे टच करने में भी दर्द है क्या? इस जगह दर्द, ओह हाँ दर्द है ये। हाँ। तो इसका मतलब ये जो जोड़ है ना इनका, ये हिप का ये वाला, यहाँ से जोड़ रहता है ना जी सबका। हाँ। ये जा रहा है ये ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जोड़ इनका स्टिफ हो गया है, इसलिए ये दर्द यहाँ जा रहा है इनका। तो हल्का सा हम क्या करेंगे इस दर्द के लिए, हल्का सा इस पर प्रेशर डालेंगे, माइल्ड, ज्यादा नहीं, जितना ही सहन कर सके ऐसे। हाँ जी, ज्यादा प्रेशर है? हाँ जी। आपको तो मैं मामूली से डाल रहा हूँ, छुई मुई का पेड़ मत बनो। ठीक है जी, ऐसे बहुत हल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। अपने घर में हम हाथ से भी दे सकते हैं, फिर धीरे से ऐसे चलेंगे। अभी हम ऐसे चलेंगे तो इसका मतलब इनको यहाँ भी दर्द है। ये दर्द है क्या? नहीं, मुझे दर्द नहीं था। हाँ एक सेकेंड, ये दर्द है ये? ओह हाँ जी। दिला छोड़ो, इसका मतलब इनको ये भी दर्द है, ये भी स्टीफ है पूरा। तो ऐसे दो तीन बार हम इस प्रकार कर देंगे इसको, इस प्रकार। अच्छा, कितने सालों से? फिर उसके बाद में हम हल्का सा उसी जॉइंट में क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये थेरेपी बिना किसी इक्विपमेंट्स के यूज किया जाए और अच्छी है। घर में कोई भी व्यक्ति दे सकता है इसको, ऐसा नहीं है कोई ना दे, कोई भी अपने बेड पर लिटा के दे दे, नीचे लिटा के दे दे। दर्द है ये? हाँ जी। सिर्फ मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ मैं, जिससे वो एरिया ब्लॉकेज पूरी खुले और स्टिफनेस हट जाए। और यही चीज आप एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो तो कहेगा जी इसकी तो सर्जरी कराओ, और बल्कि ऐसे आप 10 दिन ये सारा ट्रीटमेंट दे दोगे ना तो ये 100% बिल्कुल क्योर हो जाएंगी, और कमर को जितना मर्जी फोल्ड करें आगे पीछे करें वो सारा ठीक हो जाएगा इनका। अभी सेम अपोजिट दूसरे वाले पैर पर भी क्या, कुछ दोनों में बता रही हैं ये, उठाइए जी। हाँ जी सेम है ये वाला भी, सराहने तो ये हर किसी के घर में रहते ही हैं। रुको रुको रुको, बिल्कुल उल्टे हो जाओ बस, नहीं 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 हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी ये मोड़ो, ठीक है जी सेम ये दर्द है। हाँ जी, आप तो कह रहे थे मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ जी, आदत बन जाती है दर्द की, राइट। ये ऐसे टच करने में क्या महसूस हो रहा है आपको? मैं बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ या मामूली सा टच कर रहा हूँ? ऐसे ऐसे टच करने में प्रेशर लग रहा है ना? हाँ, इसका मतलब यहाँ नहीं है। देखो ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट में आपको बहुत मतलब ये जकड़ा हुआ है पूरा, ये आप उकड़ू नहीं बैठ सकते। अच्छा ओके, बहुत मामूली से प्रेशर डालना है इस पर।
आलू का।